अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो बाथरूम में बेहद समझदारी बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में 14 महीने की एक मासूम बच्ची घर में पानी से भरी हुई बाल्टी में डूब गई। दरअसल मासूम बच्ची की मां टब और बाल्टी में कपड़े धो रही थी, इसी दौरान बच्ची वहां पर आ गई। इस बीच टब में से मासूम की मां ने कपड़े निकाले और वो छत पर उन्हें सुखाने के लिए चली गई। इस बीच बच्ची पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर लुढ़क गई और पानी में उसका दम घुट गया। परिवार ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने परिवार से जानकारी जुटाई है। गाजियाबाद पुलिस का भी कहना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाथरूम की तरफ अकेले ना जाने दें और सतर्कता बरतने की जरूरत है, तभी ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। यह अभयखंड चौकी में पड़ता है और इंद्रापुरम थाने में ऐसी सूचना मिली कि एक 14 महीने की बच्ची थी जिसका अवनी नाम था, अवनी त्यागी, और उसके पिताजी का नाम था कन्हैया त्यागी। मामला ऐसा था कि माँ कहीं शायद दूर थी और बाल्टी में पानी भरा हुआ था। बच्ची जो स्टूल होता है उसके ऊपर खड़ी होके शायद उसमें झांकने की कोशिश कर रही थी, जिसके पांव फिसल जाने के कारण वो बाल्टी में डूब गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, अवंती हॉस्पिटल में, परंतु वहाँ ऐसा कहा गया कि उसकी पहले ही लाने से पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से यही अपील की जाती है कि माता पिता कृपया छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि निगरानी में न रहने के कारण इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है।